गूंगों को जबाल, शोषित पीड़ित मानव को ज्ञान, नारी को सम्मान, माँ कस्तूरबा को पतिदान, गांधी को प्राणदान, देश को समता, न्याय, बंधुत्व, दया, मैत्री, करुणा पर आधारित जनतांत्रिक सर्वोच्च संविधान, भटके हुए भारत को बौद्ध धर्म की प्रेरणा महान देने के साथ ही साथ भूले भटके बिसरे बिसारे दुराए छिपाए गए महापुरुषों को सम्मान दिया, ऐसे परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मैं आज नमन करता हूँ, उन्हें नमो बुद्धाय कहता हूँ। साथ ही बाबा साहेब अम्बेडकर के जो तीन गुरु थे, तथागत भगवान बुद्ध, संत कबीर, ज्योतिबा राव फुले, इन तीनों महापुरुषों को भी आज मैं नमन करता हूँ। आज बाबा साहब अम्बेडकर के जो तीसरे गुरु ज्योतिबा राव फुले थे, आज उनका जन्म जयंती है। इस अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित सभी मूल निवासी भाई बंधुओं को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। साथ ही भारत की धरती पर पैदा हुए सभी ज्ञात अज्ञात मानववादी संतों गुरुओं को मैं आज नमन करता हूँ। आज मूल निवासी संघ द्वारा आयोजित ज्योतिबा राव फुले और बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर चल करके ही संवैधानिक मूल्यों की प्राप्ति, इस विषय पर चर्चा परिचर्चा हेतु आयोजित यहाँ उपस्थित हमारे संरक्षक, हमारे चाचा इंजीनियर शिवरत राम जी सहित सभी वक्तागण, पूर्व के वक्तागण, आने वाले वक्तागण और यहाँ उपस्थित सभी संघ को मैं आप सभी को अपना जय भीम प्रेषित करता हूँ, नमो विद्याय कहता हूँ और जय मूल निवासी कहता हूँ। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने तीन गुरुओं भगवान बुद्ध, संत कबीर और ज्योतिबा राव फुले की विचारधारा पर आधारित भारत के संविधान का निर्माण किया और उसमें एक व्यक्ति, एक ओर और एक मूल्य का हमें अधिकार दिया है। यह सच है कि ज्योतिबा राव फुले और बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर चल करके ही संवैधानिक मूल्यों की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन यह भी सच है कि जब तक हमारे वोटों से चुना जाने वाला नेता जो संविधान चलाता है, देश चलाता है, जब तक वह ज्योतिबा राव फुले और बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर नहीं चलेगा, तब तक संवैधानिक मूल्यों की प्राप्ति नहीं हो सकती। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान का निर्माण किया तो उसकी प्रति को, एक प्रति को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सौंपते हुए कहा था कि मैं महसूस करता हूँ कि हमारा भारतीय संविधान लचीला है, व्यवहारिक है, इसमें युद्धकाल और शांतिकाल दोनों ही परिस्थितियों में देश की एकता बनाए रखने का सामर्थ्य है। अगर किसी भी परिस्थिति में देश की स्थिति खराब होती है तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि हमारा संविधान बुरा है, वरन हमें यह कहना होगा इस देश को, संविधान को चलाने वाले लोग ही बुरे। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध, फुले और कबीर की विचारधारा पर भारत का संविधान का तो निर्माण तो कर दिया, लेकिन उसे चलाएगा कौन, यह भारत की जनता तय करती है। जनता अपने अमूल्य वोटों से नेता का चुनाव करती है और चुना हुआ नेता ही इस देश को चलाता है, संविधान को चलाता है। चुना हुआ नेता जिस विचारधारा का होगा वह देश अपनी उसी विचारधारा के अनुसार चलाएगा। इसलिए जन जन में ज्योतिबा राव फुले और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा को चलाने की जरूरत है। हम सबको नेता अपना किसको मानना है, विचारधारा को मानना है। हम लोग क्या करते हैं, सभी की बात मैं कर रहा हूं, हम लोग वो नेता अपनी जाति का ज्यादा पसंद करते हैं। मुझे कहना होगा कि आज
इस विषम परिस्थिति में एक तरफ मूल निवासी बहुजनों के नेता अखिलेश यादव जी हैं तो एक तरफ बहन कुमारी मायावती जी, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को नेता मानने वाले, उनकी बिरादरी के 95% लोग उन्हें नेता इसलिए मानते हैं कि वो उनकी बिरादरी के, यही हाल बहन मायावती जी का भी है, उनके लोग भी उन्हें नेता इसलिए मानते हैं कि वो उनकी बिरादरी के, जिस जब तक जाति के नाम पर नेता मानते रहेंगे संवैधानिक मूल्यों की प्राप्ति नहीं होगी। हमें विचारधारा के आधार पर नेता मानना है, विचारधारा पहले होना चाहिए और जाति बाद में होनी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, ऐ मेरे समाज के लोगों, मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया है यह बेहद मुसीबतों और बेशुमार विरोधियों का मुकाबला करके किया है। तुम्हारा कर्तव्य है कि यह कारवां सदैव आगे ही बढ़ता रहे। अगर किसी भी कीमत पर आप इस कारवां को आगे न बढ़ा सके तो इसे यहीं पर रोक दीजिएगा और किसी भी हालत में यह पीछे न जाने पाए। बाबा साहब अम्बेडकर, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कैसे ज्योतिबा राव फुले और बुद्ध और कबीर की विचारधारा पर यह भारत का संविधान कैसे संविधान सभा में कैसे पारित करा दिया, जबकि उस समय ज्यादातर संविधान सभा में कांग्रेसी मनुवादी थे, जो लोग संविधान के लागू होने के 70 साल के बाद भी आज भी दलितों और पिछड़ों के मिले आरक्षण से चिढ़ते हैं, जो लोग उन्हें समता समानता का अधिकार देने से कतराते हैं, वो लोग कैसे संविधान को पारित करा दिए। इसका मतलब कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कैसे अपने तर्कों से लड़ा रहा होगा उस समय, कितना संघर्ष किया रहा होगा उस समय, कितना लड़े थे बाबा साहब अम्बेडकर, जिस बाबा साहब अम्बेडकर को हराने के लिए आज भी उन मनवादियों की संतानें उनकी मूर्ति को तोड़ने का काम करती है। और हम आप बैठे बैठे खाली मूर्ति टूट जाती है तो मूर्ति को ये कैसे जुड़ाया जाए इस पर विचार करते, जबकि इस पर विचार नहीं करते कि बाबा साहब अम्बेडकर का विचार क्या था। जब हम उनके विचारधारा पर चलेंगे तो इन मनुवादियों को मूर्ति तोड़ने की हिम्मत नहीं पड़ेगी, इसलिए कि हम विचारधारा पर नहीं चलते, हम मूर्ति के चक्कर में पड़ जाते हैं। अरे भाई, मूर्ति कभी किसी की भला नहीं करती, बात समझ रहे हैं ना, मूर्ति कभी किसी की भला नहीं करती, मूर्तियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए बल्कि विचारधारा के चक्कर में पड़ना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि एक दिन इसी संविधान की बदौलत देश में समता न्याय बंधुत्व का बोलबाला होगा। बाबा साहब अम्बेडकर एक दिन बाबा साहब अम्बेडकर के एक साथी ने प्रश्न किया कि बाबा साहब, आजकल आप बहुत खुश नजर आते हैं, बहुत प्रसन्न दिखाई देते हैं। बाबा साहब ने अम्बेडकर ने कहा कि मैंने यह देश यहाँ के मूल निवासियों को सौंपने का प्रण किया था, वह युद्ध मैं आज 26 जनवरी 1950 को मैं जीत गया हूँ। बाबा साहब के साथी ने कहा कि आप युद्ध कैसे जीत गए, यहाँ का प्रधानमंत्री तो सवर्ण है, ज़्यादातर मंत्री भी सवर्ण है और प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी सवर्ण है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि यह देश कि अभी हमारा समाज सोया हुआ है, मैंने संविधान का निर्माण करके एक व्यक्ति और एक वोट के मूल्य का अधिकार दे करके मैंने यहाँ की सत्ता मूल निवासियों को सौंप दिया है, अभी वह समाज सोया हुआ है, जब वह जागेगा पढ़ लिख करके शिक्षा ग्रहण कर लेगा, पढ़ लिख करके होशियार हो जाएगा, तो देश का शासन की बागडोर अपने हाथों में ले लेगा और संविधान की मंशा के अनुकूल अपनी बिगड़ी हुई बातें बना लेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा था कि हमारा समाज जब पढ़ लिख करके होशियार बन जाएगा, पढ़ लिख जाएगा, तो उनके कहने का मतलब यह था कि हमें डिग्री नहीं लेनी, खाली डिग्री नहीं लेनी, पढ़ लिख करके होशियार बनने का मतलब
जिस विचारधारा के बुनियाद पर संविधान का निर्माण किया गया है, जिस विचारधारा की बुनियाद पर संविधान में SC/ST OBC को हक अधिकार दिया गया है, उस विचारधारा को गहराई से समझना और उस विचारधारा का प्रचार प्रसार करना, ये बाबा साहब अंबेडकर का उद्देश्य है। बाबा साहब अंबेडकर ने जो हमें अधिकार दिया, उस अधिकार को सोचना और उस विचारधारा पर चलना ही हम मूल निवासियों की बिगड़ी बना देगा। साथियों, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि विचारधारा लोकतंत्र में एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य का अधिकार है। जिस समाज में जिसकी विचारधारा जितनी ज्यादा होगी, राजनीतिक सत्ता भी उसी विचारधारा के लोगों को मिलेगी। सत्ता में बैठे लोगों की विचारधारा जैसी होगी, सामाजिक संवैधानिक मूल्यों की प्राप्ति भी वैसी ही होगी। अगर सत्ता में बैठे लोगों की विचारधारा संभोग ऋषि के वध को जायज ठहराती है, अगर सत्ता में बैठे लोगों की विचारधारा एकलव्य का अंगूठा काटने वाले द्रोणाचार्य का गुणगान करती है, अगर सत्ता में बैठे लोगों की विचारधारा जुआ में अपनी पत्नी को हारने वाले को धर्मराज कहती है, अगर सत्ता में बैठे लोगों की विचारधारा एक समान पैदा हुए इंसानों को छोटा बड़ा नीच अंतर समझती है, अपमानित करती है, तो क्या आपको लगता है कि ऐसी परिस्थिति में ज्योतिबा राव फुले और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के अनुकूल संवैधानिक मूल्यों की प्राप्ति हो सकती है? क्या ऐसा हो सकता है? सत्ता में जो बैठे लोगों के नेताओं की जो विचारधारा थी, इसका दुष्परिणाम था कि पिछड़े वर्गों को अपना आरक्षण लेने में 40 वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा था। भारत के संविधान में 4 कैटेगरी है, शैक्षिक और सामाजिक आधार पर 4 कैटेगरी बनाई गई, एक सामान्य वर्ग, दूसरा अनुसूचित जाति जिसे धारा अनुच्छेद 341 के तहत वो भारत की आज़ादी के समय से ही 15% आरक्षण मिला हुआ है, तीसरी कैटेगरी अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब जिसे अनुच्छेद 342 के तहत भारत की आज़ादी के समय से ही 7.5% आरक्षण मिला है, चौथी कैटेगरी पिछड़े वर्ग की है जिसे आज़ादी के समय से कोई आरक्षण नहीं मिला। इसका कारण यह है, पिछड़े वर्गों को आज़ादी के समय से कोई आरक्षण नहीं मिला, उसका कारण यह है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लॉर्ड लोथियम की अध्यक्षता में यहाँ के शोषित पीड़ित दलित अछूत लोगों की गिनती करके और उन्हें सहूलियत देने के लिए लोथियम कमेटी बनाई गई थी, जिसमें लोथियम कमेटी के समक्ष उपस्थित लोगों ने जिन लोगों ने अपनी बात कही, लोथियम कमेटी ने जिसको समझा कि ये अछूत हैं, दलित हैं, पदलित हैं, तो उनकी सूची बना दी। और आज के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो जिन लोगों ने कहा कि मैं उच्च हूँ, मैं बड़ा हूँ, इसलिए मेरी जाति को इस सूची में सम्मिलित नहीं किया जाए, तो उन लोगों को सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। और जब संविधान बना तो सूची में सम्मिलित हुए लोगों को आरक्षण मिला, ये मिलना शुरू हो गया। जो लोग सूची में सम्मिलित नहीं हुए थे उनको आरक्षण नहीं मिला। बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाते समय उपकार किया और धारा 340 की व्यवस्था कर दी, जिसके तहत पिछड़े वर्गों को ये कहा गया कि पिछड़े वर्ग एक पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया जाए, जिसमें इनको भी इनकी जातियों की सूची बनाकर इन्हें आरक्षण देने के लिए एक उपबंध किया जाए, पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया जाए, जिसके तहत 29 जनवरी 1953 को काका कालेलकर की अध्यक्षता में एक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ। काका कालेलकर ने 2 वर्ष 2 महीना में पिछड़ा वर्ग आयोग में 2,399 जातियों की सूची बना करके केंद्र की सरकार में यह रिपोर्ट सौंपी और संस्तुति दी, सिफारिश किया कि 1961 की जो जनगणना है वो जातिगत आधार पर किया जाए और पिछड़े वर्गों को प्रथम श्रेणी की नौकरियों में 25% आरक्षण, द्वितीय श्रेणी की नौकरियों में 33% आरक्षण, चतुर्थ श्रेणी की नौकर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में 40% आरक्षण दिया जाए। बाद में जब ये रिपोर्ट नेहरू जी के पास पहुंची तो नेहरू जी ने यह रिपोर्ट
इसलिए खारिज कर दिया। उन्होंने नेहरू जी ने कहा, ये रिपोर्ट तो ठीक है लेकिन अगर रिपोर्ट लागू हो गया तो सामाजिक सद्भाव बिगड़ जाएगा। अब आप जरा समझिए, नेहरू जिस विचारधारा के थे, नेहरू अगर ज्योतिबाराव फुले, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा के होते, बुद्ध कबीर फुले की विचारधारा के होते, तो काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को लागू कर दिए होते। क्योंकि विचारधारा का प्रभाव पड़ता है, इसलिए नेहरू ने कहा कि रिपोर्ट तो ठीक है लेकिन इससे सामाजिक सद्भाव बिगड़ जाएगा। सामाजिक सद्भाव कैसा? मतलब जो ऊंच है ऊंच रहे, जो नीचे है वो नीच रहे, जैसा समाज बना है वैसा रहे, ये नेहरू का सद्भाव था। नेहरू ने उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। बाद में पिछड़े वर्ग के नेताओं ने काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को लेकर के संघर्ष जारी रखा। सोशलिस्ट पार्टी के कुछ पिछड़े वर्ग के नेताओं ने नारा दिया कि सोशलिस्टों ने बांधे गांठ, पिछड़े पावे सौ में साठ। बिहार के जगदेव बाबू ने नारा दिया, सौ में नब्बे शोषित है, नब्बे भाग हमारा। इस तरीके से पिछड़े वर्गों का आंदोलन चलता रहा और 22 साल के बाद पिछड़े वर्ग समाज ने, दलित समाज ने अपने एक वोट के मूल्य का अधिकार का उपयोग करते हुए ये कांग्रेस पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंक करके 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार बनाई। उन्हें बड़ा अपेक्षा थी कि अब तो पिछड़े वर्गों का आरक्षण लागू हो जाएगा। उन लोगों ने दबाव बनाया इसके लिए, तो मोरारजी देसाई चूंकि जाति के ब्राह्मण थे, मोरारजी देसाई के सहयोगी जो एलआई पार्टी के थे, जनसंघ के थे, अटल बिहारी वाजपेयी जो उस समय विदेश मंत्री थे, वो भी ब्राह्मण थे, इन दोनों ने कन्फ्यूसिया किया। बाद में मोरारजी देसाई ने पिछड़े वर्गों को बुला करके बताया कि भाई ये काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट तो बहुत पुरानी पड़ गई है, इसलिए इसकी जगह पे एक नया आयोग बना दिया जाए, बहका दिया। तो लोग बहक गए, इसलिए वहाँ भी लोगों ने बहकाने का काम किया। परिणाम ये हुआ कि 1 जनवरी 1979 को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व सांसद बिंदेश्वरी प्रसाद बंडल, जो जाति के यादव थे, उनकी अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग का, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने 2 वर्ष के बाद 31 दिसंबर 1980 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया और 3000 जातियों को शैक्षिक और सामाजिक स्तर पर पिछड़ा पाया और 52% जनसंख्या को उन्होंने पिछड़ा वर्ग घोषित किया। साथियों, उस समय 31 दिसंबर 1980 को जब मंडल ने अपनी रिपोर्ट प्रेषित किया, उस समय जनता पार्टी की सरकार गिर चुकी थी और केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार आ गई थी। इंदिरा गांधी कौन थी? जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी। जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा, वहीं से उन्होंने प्रशिक्षण पाया था, वहीं से नेहरू की विचारधारा का प्रशिक्षण पा करके इंदिरा गांधी ने कहा कि भाई यह रिपोर्ट तो अभी सोचने विचारने लायक है, सोचूंगी विचारूंगी, और उन्होंने उस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। बाद में उनके पुत्र राजीव गांधी आए, इंदिरा गांधी के बेटे, उन्होंने भी उस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में जो डाल दिया। लेकिन तब तक ज्योतिबाराव फुले और बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा का एक नेता इस भारत की धरती पर टहलना शुरू कर दिया था, DS4 और बाम सेफ नाम का संगठन बना करके। मनवर काशीराम साहब ने ज्योतिबाराव फुले और बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा का प्रचार जन जन में करना शुरू कर दिया था और पिछड़े वर्गों में चेतना लाने के लिए पूरे देश और प्रदेश में 100-100 रैलियां करती थी जिन्होंने किया था, और रैलियों के माध्यम से जगाने का काम किया। उन्होंने जगह जगह नारा दिया, दबाव बनाया कि पिछड़ों को आरक्षण दो वरना कुर्सी खाली करो, मंडल आयोग लागू करो वरना गद्दी खाली करो। साथियों, माननीय काशीराम साहब ने उस विचारधारा पर संघर्ष करना शुरू किया। 1989 में जनता दल की सरकार बन गई। जनता दल की सरकार में ये विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने। उसी समय मानवर कांतीराम साहब की पार्टी के 3 सांसद चुनकर के भारत की संसद में पहुंचते हैं। पंजाब से हरभजन लाखा, आजमगढ़ से रामकृष्ण यादव और बिजनौर से बहन माया, ये 3 सांसद मानवर कांतीराम साहब की पार्टी से, बस ये 3 सांसद मानवर काशीराम साहब की पार्टी से चुन करके जाते हैं, संसद में बैठते। जनता दल के अंदरूनी कलह की वजह से वीपी सिंह को दिक्कत हो गई, उनकी सरकार गिरने की नौबत आ गई। वीपी सिंह ने
समर्थन लेने, तीन सांसदों के समर्थन लेने के लिए मानवर काशीराम से गुहार करने गए, चल करके उनसे मिलते मांगे गए। मानवर काशीराम चूंकि ज्योतिबा राव फुले बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा के नेता थे, इसलिए उन्होंने शर्त लिखा कि मैं समर्थन दे दूंगा, लेकिन मेरी शर्त है कि आप मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू कर दो। और की शर्त को मनवा लिया और मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करा दिया। साथियों, ये विचारधारा में ताकत होती है। 545 सांसदों के संसद में मात्र 3 सांसदों का नेता, 545 सांसदों के संसद में मात्र 3 सांसदों के नेता ने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू करा दिया। इसलिए मैं कहता हूं, ज्योतिबा राव फुले और बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर चल करके ही संवैधानिक मूल्यों की प्राप्ति हो सकती है।